कोई भी देश घुटनों पे नहीं जीता, ये जी हजूरी करके और इनको मना के और ये महबूबा और उमर को अपीज करके आपको क्या मिला है आज तक, और आप क्या सोचते हैं आपको कल क्या मिलेगा? ये आर्टिकल 370 35A ये हटा देंगे तो फिर कश्मीर इंडिया का पार्ट नहीं रहेगा, किसने बोल दिया? ये सब गलत बातें हैं, ये अफवाह हैं, राइट? हम लोग केपेबल हैं, पहली चीज। जो ये बात बोले इनको जेल में डालिए, इसलिए है क्योंकि ये दोनों पार्टीज जब ये आउट ऑफ पावर रहते हैं, जब ये सत्ता से बाहर रहते हैं, ये पाकिस्तान जिंदाबाद बोलते हैं, जब ये सत्ता में रहते हैं ये भारत माता की जय बोलते हैं। ये लोग दोगले लोग हैं, इनको समझना जरूरी है कि लोग दोगले लोग, पीडीपी भी और नेशनल कॉन्फ्रेंस भी, कि जब तक आम कश्मीरी का खून बहता रहे इनकी तिजोरियां भरती रहेंगी। इनका कश्मीरियों से बस यही नाता है कि तुम अपना खून बहाते रहो, हमारी तिजोरियां। जब आप जम्मू एंड कश्मीर की बात करते हैं वैभव, तो सबके मन में सिर्फ कश्मीर वैली आती है। डोगरा कहां गए, गुजर कहां गए, बकरवाल कहां गए, लद्दाखी कहां गए, कश्मीरी पंडित कहां गए, इन सबको इन्होंने गायब कर दिया। और जो जम्मू और कश्मीर की राजनीति है तो वही 150 किलोमीटर बटा 45 किलोमीटर की जो कश्मीर वैली है, जो कि सिर्फ 150 किलोमीटर बटा 45 किलोमीटर की, इससे बड़ी नहीं है कश्मीर वैली, उसमें महदूद होकर रह गई। उन पंडितों को आपने निकाल दिया वहां से, एक नई जो वहां पे पीढ़ी पैदा हुई है, नई फसल पैदा हुई है कश्मीर की, उस बच्चे ने जिंदगी में कभी पंडित को देखा ही नहीं, उसका दिमाग कैसे? चार लाइन विकिपीडिया में पढ़ने के बाद आप एक्सपर्ट बन गए और आप एयर चीफ के और पूरी इंडियन एयरफोर्स का जजमेंट डाउट कर रहे हैं। आप ये पूछ रहे हैं कि MiG-21 क्यों भेजा F-16 के खिलाफ, उनको ये सवाल पूछना चाहिए था कि हमारी एयरफोर्स में MiG-21 है क्यों आज की तारीख। लेकिन अगर फौजी जमीन पे नहीं रहेगा, फौजी जमीन को कंट्रोल नहीं करेगा, तो आतंकवादी जमीन को कंट्रोल करेगा। पुलवामा ना हो, इसका सलूशन हिंदुस्तान में नहीं, इसका सलूशन पाकिस्तान में है। जिस दिन पाकिस्तान को यह पता लग गया कि आपने ऐसा कदम उठा लिया है जिसकी वजह से यह सब कार्रवाई करना कश्मीर में बहुत महंगा हो गया उसके लिए, उस दिन पुलवामा होना बंद हो जाएगा। अनलेस यू हैमर द पाकिस्तान आर्मी, यू आर नॉट गोइंग टू बी सक्सेसफुल। आप भूल जाइए, आप 100 साल और कश्मीर में लड़ते रहेंगे, उनके पास इतने मदरसे हैं, इतने आतंकवादी हैं, वो 100 साल तक भेजते रहेंगे। यू हैव टू हैमर द पाकिस्तान आर्मी, नॉट पाकिस्तान द स्टेट, नॉट द टेररिस्ट्स। आई एम स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट पाक फौज। हाय, दिस इज मेजर गौरव आर्या। प्लीज सब्सक्राइब टू डिफेंसिव ऑफेंस एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। वैभव, मैं आपको दो बातें बता दूं जो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं बालाकोट स्ट्राइक्स के बारे में, चाहे वो गवर्नमेंट हो बीजेपी की, चाहे वो ऑपोजिशन वाले हो। ये नंबर्स की तरफ ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, 250 मरे कि 300, 300 मरे कि 500। आई डोंट थिंक नंबर्स आर इंपॉर्टेंट। आप किसी भी फौजी से पूछिए, वो कभी आपको ये नहीं बोलेगा कि नंबर्स इंपॉर्टेंट हैं कि नहीं है, क्योंकि अगर बम वहां पे गिरा है, मिसाइल वहां पे गिरी है, तो लोग मरेंगे, ये जाहिर सी बात है। इसमें दिस इज नो रॉकेट साइंस। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है वैभव? इंपॉर्टेंट ये है कि लाइन ऑफ कंट्रोल के पार जेट्स गए हमारे, फाइटर जेट्स। ये बहुत बड़ी एक मेंटल बैरियर है जो हम लोगों ने क्रॉस करा। एक तो पहली बात यह है, ये जेट्स का जाना, जेट्स का पाकिस्तान की जमीन पर जाना, और बालाकोट जो कि खैबर पख्तूनख्वा में है, इट इज नॉट इन पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिनको हम पीओके बोलते हैं और वो लोग जिसको आजाद कश्मीर बोलते हैं, वो वहां पे है नहीं। तो आपने जिसको सो टू से मेनलैंड पाकिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा के बीचों बीच आपने जाके ये अटैक कराए, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। नंबर्स क्या हैं, कितने लोग मारे गए, ये बात की बात है, और ये टर्शरी क्वेश्चन है, मुझे नहीं लगता इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। बट द मेयर फैक्ट दैट इंडियन एयरफोर्स हैज गॉन अक्रॉस एंड हिट टारगेट्स, ये बहुत बड़ी बात है। पहला तो पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि एक न्यू नॉर्मल बन गया है, एक नया नॉर्मल बना दिया है इंडियन एयरफोर्स ने। और ये नॉर्मल बना दिया है कि अगर आप कश्मीर में कोई बड़ा आतंकवादी हमला करेंगे तो हम अपनी एयरफोर्स यूज कर सकते हैं। पहली बार ऐसा हिंदुस्तान ने करा है कि एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस के लिए
एयरफोर्स का इस्तेमाल करा, एक नया नॉर्मल बन गया है। तो अगली सरकार जो भी आएगी, बीजेपी की आए किसी और की आए, कोई भी सरकार आएगी, एक बेंचमार्क बन चुका है एयर स्ट्राइक्स, एंड दैट गवर्नमेंट विल हैव टू फॉलो दोज बेंचमार्क्स, विल हैव टू लिव अप टू दोज बेंचमार्क्स। ये बात तय है। देखिए, हर एक जमहूरियत है हिंदुस्तान, तो सबका हक है पूछने का, लेकिन मैं हर समय कहता हूं कि आप एयरफोर्स से सवाल पूछिए, लेकिन इंटेलिजेंट सवाल पूछिए। ये कोरा पे लोग जिस किस्म के सवाल पूछते हैं, तो मुझे तो बहुत ही सुनकर डिप्रेशन होता है। द स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चंस दैट आर आस्क्ड ऑन प्लेटफॉर्म सच एज कोरा। दूसरी ये बात है, देखिए, एयर कॉम्बैट पेट्रोल हवा में है, एयर कॉम्बैट पेट्रोल। अगर एयर कॉम्बैट पेट्रोल हवा में है, तो जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर होगा वो जाएगा वहां पे, ठीक है, जिसको आदेश मिलेगा, जो करीब होगा या जिसको अप्रोप्रिएट माना जाएगा वो जाएगा वहां पे। अब लोग ये पूछ रहे हैं कि साहब SU-30 क्यों नहीं भेजा गया, डू दे वॉन्ट द एयर चीफ ऑफ इंडिया, एयर चीफ मार्शल धनोआ टू रिक्वेस्ट परमिशन ऑन ट्विटर कि साहब आप हमें बताएं, आप जरा इसमें प्रकाश डालें कि मैं कौन सा जहाज भेजूं। The Air Force is competent. ये सब चीजें, आपने ये जहाज क्यों नहीं भेजा, ये टिपिकल उन लोगों की मानसिकता है जिनको नॉलेज बहुत कम है वैभव, जो विकिपीडिया से चार जहाजों का नाम पढ़ लिया, विकिपीडिया पे यू नो ब्रॉड जानकारी हासिल कर ली, एंड यू आर क्वेश्चनिंग द एयर फोर्स। लेट द एयर फोर्स डिसाइड। मैंने तो आज तक नहीं पूछा एयरफोर्स से कि आपने, कल ये पूछेंगे आपने ये मिसाइल क्यों मारी, आप ये भी तो मार सकते थे। Now the air chief will not come on Twitter and ask everybody कि आप कौन सी मिसाइल फायर करेंगे, कौन सा प्लेन। That is the prerogative of the Air Force. Let the Air Force decide. You know, अभी सभी एयर चीफ हिंदुस्तान में बनने लगे, फिर काम कैसे चलेगा। और तीसरी बात है बड़ी इंपॉर्टेंट वैभव, मोस्ट ऑफ दीज क्वेश्चन, ज्यादातर जो सवाल आते हैं हम लोग समझते नहीं है, और हिंदुस्तान में इसकी नॉलेज बहुत कम है अनफॉर्चुनेटली, और हमारे लिए बहुत खेद और बहुत दुख की बात है। नॉलेज इस चीज की कम है कि पाकिस्तान मास्टर है इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में, पाकिस्तान मास्टर है झूठ बोलने में। पाकिस्तान कुछ भी करके झूठ बोल के एक चीज कवर अप कर लेगा। लेटेस्ट देखिए, F-16 का मामला है, आपने अभी मेंशन करा, एक फॉरेन पॉलिसी करके एक मैगजीन है, फॉरेन पॉलिसी मैगजीन का एक आर्टिकल आया, वो आर्टिकल ये कहता है कि साहब हमने, हमारे एक सोर्स ने हमें बताया है कि पाकिस्तान का कोई भी F-16 गिरा नहीं है। उस सोर्स ने काउंट करा है कि एक एक F-16 पाकिस्तान का बिल्कुल सही सलामत है, और गिन के आया आदमी कि मतलब अगर उदाहरण दे दूं मैं, अगर उदाहरण पाकिस्तान के पास 40 थे तो 40 के 40 हैं। यानी कि इंडियन एयरफोर्स झूठ बोल रही है, यानी कि विंग कमांडर अभिनंदन झूठ बोल रहे हैं। यह फॉरेन पॉलिसी मैगजीन, इसको इमरान खान ने भी कोट करा, इसको कई पाकिस्तानी ने भी कोट करा, जो पाकिस्तान के लोग हैं वो तो ऑब्वियसली करेंगे, और इंडिया में भी कई लोगों ने कोट करा। अब कल रात को या परसों पेंटागन का और डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का एक ऑफिशियल बयान आया कि ऐसा हमने कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करा। यानी कि अमेरिकन डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस को इसके बारे में नहीं पता, ये सो कॉल्ड इन्वेस्टिगेशन। पेंटागन इज द अल्टीमेट बॉडी फॉर डिफेंस इन अमेरिका, पेंटागन को इसके बारे में नहीं पता, लेकिन एक कोई रिपोर्टर है एक मैगजीन का जिसको पता है कि सारे F-16 ठीक ठाक हैं पाकिस्तान के। ये वैसे ही रिपोर्टर हैं, बिकाऊ रिपोर्टर हैं, जो कि रॉयटर्स के और वॉशिंगटन पोस्ट के थे, जिन्होंने ये लिख दिया कि वहां पे कुछ डैमेज ही नहीं हुआ। ये बैठे बैठे कुछ भी लिख देते हैं, और अनफॉर्चुनेटली हमारे जो लोग हैं, इंडिया के काफी लोग हैं, सब नहीं पर काफी ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तानी इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के बहकावे में आ जाते हैं। पाकिस्तान झूठ बोलता है, इन लोगों को लगता है कि हाँ वो सच बोल रहा है, और उसी चीज को प्रोपोगेट करते हैं। देखिए, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर सिर्फ फौज की जिम्मेदारी नहीं है, हम सब की जिम्मेदारी है, और हम इसको कैसे काउंटर करें, पढ़ के एंड विदाउट आस्किंग अननेसेसरी क्वेश्चंस। ये कैसा सवाल है कि आपने सुखोई नहीं भेजा वहां पर, ये किस तरीके का सवाल है? कल कोई बोल देगा जी आपने बालाकोट में बॉम्ब क्यों गिराया, आप कहीं और गिरा सकते थे। Come to think of it, Air Chief Marshal B.S. Dhanoa has an exemplary career span of 4 decades. You are doubting the Air Chief's judgment. और आप खुद बताना चाह रहे हैं, आपको यह नहीं पता कि सुखोई प्लेन है क्या, आपको यह नहीं पता कि
उसकी कैपेबिलिटीज क्या हैं, आपने विकिपीडिया में पढ़ लिया थोड़ा सा, और चार लाइन विकिपीडिया में पढ़ने के बाद आप एक्सपर्ट बन गए और आप एयर चीफ के और पूरी इंडियन एयरफोर्स का जजमेंट डाउट कर रहे हैं और आप पूछ रहे हैं कि ये क्यों नहीं भेजा। अरे जो एयर चीफ को लगेगा ठीक, एयर चीफ वो करेंगे, दैट्स द एंड ऑफ द स्टोरी एंड आई थिंक वी हैव डन वेरी वेल। एक आखिरी चीज मैं पूछना चाहता हूं, लोग गलत सवाल पूछते हैं। मेनी इंडियंस, नॉट ऑल ऑफ देम बट मेनी इंडियंस आस्क द रॉन्ग क्वेश्चंस। आप ये पूछ रहे हैं कि मिग 21 क्यों भेजा F-16 के खिलाफ, उनको ये सवाल पूछना चाहिए था कि हमारी एयरफोर्स में मिग 21 है क्यों आज की तारीख में। ये नाम कहां से आए फ्लाइंग कॉफिन, ये नाम कहां से आए द विडो मेकर, आपने नाम सुने होंगे, ये मिग 21 के लिए जो नाम है और भी एयरक्राफ्ट के लिए, ये नाम कहां से आए। हमारे 1000 से ज्यादा प्लेन क्रैश हुए हैं आज तक सिंस इंडिपेंडेंस, क्यों इतने ज्यादा प्लेन क्रैशेस हो रहे हैं, क्यों हम नए नए प्लेन्स अपने लोगों के लिए नहीं खरीद पाए, क्यों हम यहां पे मैन्युफैक्चरिंग बेस इंडिया में नहीं सेटअप कर पाए। अब आप देखिए, छोटी सी बात मैं आपको बताता हूं वैभव, अभी हमारे हेलीकॉप्टर्स थे सीकिंग हेलीकॉप्टर्स, नेवी फ्लाई कर रही है, 50 साल पुराना हेलीकॉप्टर है, 50 ईयर्स। एक और हेलीकॉप्टर नेवी फ्लाई कर रही है, नाम है उसका चेतक, 60 साल पुराना है, 60 ईयर्स। सो यू हैव इक्विपमेंट इन द नेवी दैट इज मोर देन हाफ अ सेंचुरी ओल्ड। और ये सवाल कोई नहीं पूछ रहा कि हमारे पायलट्स, उनकी जाने क्यों जा रही है, हमारे पायलट्स क्यों मर रहे हैं, इतना थर्ड रेट इक्विपमेंट हमारे पास क्यों है। रादर पीपल आर वेस्टिंग टाइम कि साहब ये क्यों भेजा, वो क्यों नहीं भेजा। आस्क द राइट क्वेश्चंस। अभी हमने जाके 24 MH-60 रोमियो जो हेलीकॉप्टर्स एंड नेवी हेलीकॉप्टर्स यूएस से अभी ऑर्डर करें, हमने एक हफ्ता पहले वी हैव ऑर्डर्ड दोज हेलीकॉप्टर्स एंड दे विल बी अ बून फॉर द इंडियन नेवी। वी नीड न्यू इक्विपमेंट, हमें नए हथियार चाहिए, नए वेपन्स चाहिए, बट नहीं थे हमारे पास। तो लोगों को ये जो सवाल हैं जिससे फौज को फायदा हो, लोग वो सवाल पूछें। You know, if everybody becomes a general on Twitter, then it's not helping anybody, it's not helping the country at least. वैभव, इसको थोड़ा सा ना tactically समझने की बात है। Emotions एक तरफ, right? और tactically क्या सही है वो एक तरफ। अब मैं आपको समझाता हूं। टीवी डिबेट्स में बड़ा बोला, बीजेपी वालों ने भी बोला, कांग्रेस वालों ने भी बोला, और सच तो यह है कि ना बीजेपी वालों को यह बात समझ में आई ना कांग्रेस वालों को बात समझ में आई। जो पावर में पार्टी है उसको भी नहीं पता। मैं टीवी डिबेट्स की बात कर रहा हूं, हायर लेवल की बात नहीं, आई एम नॉट टॉकिंग एट द लेवल ऑफ द डिफेंस मिनिस्टर और द होम मिनिस्टर, उनकी बात नहीं कर रहा, मैं टीवी डिबेट्स की बात कर रहा हूं। टोटली इल इन्फॉर्म्ड, जीरो नॉलेज, जीरो। अब एक बात बताइए, हम अभी नोएडा में बैठे हैं, राइट? ये इंटरव्यू नोएडा में चल रहा है। आप अगर बनारस से नोएडा आते हैं तो नोएडा में एयरपोर्ट तो है नहीं, आप कहां आएंगे? आप इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाएंगे दिल्ली में, दिल्ली में आपकी फ्लाइट लैंड होगी बनारस से, फिर उसके बाद आपको गाड़ी से यहां पे आना पड़ेगा ना, एक डेढ़ घंटा जितना भी लगता है, दो घंटा लगता है, जो भी टाइम लगेगा, यू हैव टू गो बाय रोड। आप अगर ट्रूप्स को पुलवामा छोड़िए, अनंतनाग छोड़िए, बारामूला छोड़िए, या इवन कुपवाड़ा, कहीं पर भी आपको ट्रूप्स को ले जाना है, आप ज्यादा से ज्यादा कहां ले जाएंगे उनको? श्रीनगर एयरपोर्ट, बदगाम वाला जो है उसको श्रीनगर एयरपोर्ट बोलते हैं, श्रीनगर एयरपोर्ट, उसके आगे तो आप उनको एयरलिफ्ट नहीं कर सकते। अब किसी और ने बोला टीवी डिबेट में कि नहीं साहब, लेकिन हेलीकॉप्टर से तो ले जा सकते हैं। देखिए साहब, दो बातें इसमें, हां ये काम हो सकता है, आपके पास हैवी लिफ्ट कैपेबिलिटी है, आप दिल्ली से लेकर श्रीनगर उनको एयरलिफ्ट करिए और उसके बाद हेलीकॉप्टर में डाल के अपनी अपनी जगह उनको डाल लीजिए। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, जो फौज है वो कश्मीर में है क्यों? अगर आप माना कि डेढ़ घंटा लगता है बदगाम से अनंतनाग जाने के लिए, एयरपोर्ट से, जो श्रीनगर का एयरपोर्ट है उससे मानिए डेढ़ घंटा लगता है अनंतनाग जाने के लिए, आप बस से जाएंगे, कॉन्वॉय से जाएंगे, आपको दो घंटे ढाई घंटे लग सकते हैं, कॉन्वॉय धीरे धीरे चलती है, आपको दो ढाई घंटे, आपने वो समय बिता लिया, आपने अपने सोल्जर्स को सेफ रखा, आपने हेलीकॉप्टर से उनको 15 मिनट में पहुंचा दिया, ये ऑप्शन जरूर है आपके पास। लेकिन अगर फौजी जमीन पे नहीं रहेगा, फौजी जमीन को कंट्रोल नहीं करेगा, तो आतंकवादी जमीन को कंट्रोल करेगा,
एक बात ध्यान रखिएगा, फिर आपकी जो हुकूमत चलेगी या आपका जो जोर चलेगा वो एयरपोर्ट टू हेलीपैड ही चलेगा फिर, क्योंकि अगर फौजी जमीन पे नहीं रहेगा तो आतंकवादी पाकिस्तान का भेजा हुआ आतंकवादी, मैं आम कश्मीरी की बात नहीं कर रहा, मैं आतंकवादी की बात कर रहा हूं, दहशतगर्द की बात कर रहा हूं, अगर वहां पे फौजी नहीं रहेगा जमीन पे तो उसकी जगह आतंकवादी ले लेगा, क्योंकि आतंकवादी को पता है कि मैं सेफ हूं, मैं सुरक्षित हूं, इन लोगों ने एयरपोर्ट पर लैंड करना है, हेलीकॉप्टर पकड़ के अपनी जगह जाना है, सड़क से कोई नहीं जाएगा, सड़क पर राज किसका होगा, यानी कि जमीन पर राज किसका होगा, आतंकवादी का होगा, इसलिए जरूरी है कि ग्राउंड से जाएं। ये जो पुलवामा का हादसा हुआ है, दिस इज एक्सट्रीमली अनफॉर्चुनेट, ये बहुत दुखद है, और इसको रोकने का, मैं बता रहा हूं, इसको रोकने का सिर्फ एक तरीका है वैभव। ये मेरे दिल का विश्वास है, मुझे कोई ऐसी कोई स्पेशल इंफॉर्मेशन नहीं आई है किसी इंटेलिजेंस एजेंसी से, फौज से, ये मेरे, मैं अपने एक जो मैं बिलीव करता हूं, मैं बता रहा हूं, हम लोगों का माइंडसेट बहुत ज्यादा डिफेंसिव है, हम लोग बहुत ज्यादा डिफेंसिव हो गए हैं, आरोपी लगता है लगेगा, व्हीकल चेक पॉइंट लगता है लगेगा, और भी चीजें हैं जो रोड क्लियर करने को लगेंगी, लेकिन आप ये समझिए कि कुछ आतंकवादी भेज के, सिर्फ कुछ आतंकवादी भेज के पाकिस्तान ने आपकी इतनी फौज को वहां पे टाई डाउन करके रखा है और आपका इतना पैसा खर्च करवा रहा है, और वो दो दो टके के आतंकवादी, 90% ऑफ देम आर ड्रग एडिक्ट्स, 40-50 दिन की ट्रेनिंग करके हथियार लेके यहां पे भेज दिया जाता है उनका, दौराए आम दौराए खास दो लेवल पर उनकी ट्रेनिंग होती है, बस यहां पे ड्रग एडिक्ट हैं, मरने के लिए आते हैं, गोली फायर करी गलती से अगर कोई फौजी को लग गई तो फौजी हमारा शहीद हो गया, वो तो मरने के लिए आई हैं, बिकॉज वो या जिहादी हैं वैसे ही उनका दिमाग खराब है और ड्रग एडिक्ट भी हैं, तो पाकिस्तान ने सस्ते में आपको एक काम पे लगा दिया, और ये चीज हमें जाननी जरूरी है वैभव कि इसका इलाज क्या है। पुलवामा ना हो, इसका सलूशन हिंदुस्तान में नहीं है, इसका सलूशन पाकिस्तान में है। जिस दिन पाकिस्तान को यह पता लग गया कि आपने ऐसा कदम उठा लिया है जिसकी वजह से यह सब कार्रवाई करना कश्मीर में बहुत महंगा हो गया उसके लिए, उस दिन पुलवामा होना बंद हो जाएगा, और तब तक पुलवामा होना बंद, मैंने अपने आर्टिकल में लिखा था कि वो दिन दूर नहीं है जब कश्मीर में सुसाइड बॉम्बिंग होगी, और उस समय लोगों ने बोला था मुझे कि साहब आप ऐसा कैसे कह रहे हैं, और काफी तनकीद करी थी, काफी क्रिटिसिज्म हुआ था कि आप ये किस तरीके से कह रहे हैं कि साहब कश्मीर में ऐसा होगा सुसाइड बॉम्बिंग, आप बहुत ज्यादा इसको हाइप कर रहे हैं। मैंने बोला मैं हाइप नहीं कर रहा हूं, मैं आपको सच बता रहा हूं, इस्लामिक स्टेट का फिंगरप्रिंट है, उनका सिग्नेचर है कश्मीर में, एक्टिव सिग्नेचर है, वो लोग करेंगे, और इसको रोकने का एक ही तरीका है, अनलेस यू हैमर द पाकिस्तान आर्मी यू आर नॉट गोइंग टू बी सक्सेसफुल। आप भूल जाइए, आप 100 साल और कश्मीर में लड़ते रहेंगे, उनके पास इतने मदरसे हैं, इतने आतंकवादी हैं, वो 100 साल तक भेजते रहेंगे। यू हैव टू हैमर द पाकिस्तान आर्मी, नॉट पाकिस्तान द स्टेट, नॉट द टेररिस्ट्स, आई एम स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट पाक फौज। जिस दिन आपने पाक फौज की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी, उस दिन आप सुरक्षित हो जाएंगे कश्मीर में और बाकी हिंदुस्तान में, और इसके लिए हमें जंग की जरूरत नहीं है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वॉर, यू डू नॉट नीड टू फाइट अ वॉर अगेंस्ट पाकिस्तान, इट कैन बी डन स्मार्टली। 10 किस्म की चीजें हैं जो हम कर सकते हैं जिससे पाकिस्तानी फौज की रीढ़ की हड्डी टूट जाए विदाउट गोइंग टू वॉर, एंड दोज आर द ऑप्शंस वी मस्ट एक्सरसाइज, ये जरूरी है। देखिए साहब, जो लोग कहते हैं कि ब्लड विल फ्लो ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ कश्मीर, ब्लड हैज बीन फ्लोइंग इन द स्ट्रीट्स ऑफ कश्मीर फॉर 30 इयर्स, लेट इट फ्लो फॉर अनदर 30 इयर्स। देखिए, लेट्स बी वेरी क्लियर, चाहे महबूबा मुफ्ती हो, चाहे उमर अब्दुल्ला हो, चाहे उमर अब्दुल्ला के वालिद साहब हो फारूक अब्दुल्ला, बोथ दीज फैमिलीज, PDP और नेशनल कॉन्फ्रेंस में दोनों की बात कर रहा हूं, ये डायनेस्टिक पॉलिटिक्स के वर्स्ट एग्जाम्पल्स हैं, पहली बात। दूसरी चीज, ये लोग रिस्पॉन्सिबल हैं, ये लोग डायरेक्टली जिम्मेदार हैं कश्मीर का जो आज का हाल है। इन लोगों ने क्या नहीं करवाया, क्या नहीं करवाया अपनी जो वोट्स हैं उनको सुरक्षित रखने के लिए कि हमें वोट मिल जाए, हम चीफ मिनिस्टर बन जाए, इन्होंने क्या नहीं करवाया। जमाते इस्लामी को जब बैन करा कश्मीर में तो महबूबा मुफ्ती को इतना दर्द क्यों हुआ,
क्या पीडीपी के कार्डर्स का डायरेक्ट रिलेशनशिप है जमात इस्लामी के साथ, पहली चीज। दूसरी बात, ये पूरी बात, ये आर्टिकल 370, 35A, ये हटा देंगे तो फिर कश्मीर इंडिया का पार्ट नहीं रहेगा, किसने बोल दिया? ये सब गलत बातें हैं, ये अफवाह हैं, राइट? हम लोग केपेबल हैं, पहली चीज। जो ये बात बोले इनको जेल में डालिए सबसे पहले। इट नीड्स एन आयरन विल। देखिए, मैं कई बार बोल चुका हूं वैभव, अ नेशन डज नॉट लिव ऑन इट्स नीज। कोई भी देश घुटनों पे नहीं जीता, ये जी हजूरी करके और इनको मना के और ये महबूबा और उमर को अपीज करके आपको क्या मिला है आज तक? और आप क्या सोचते हैं आपको कल क्या मिलेगा? जैसे पीडीपी और बीजेपी ने गवर्नमेंट बनाई कश्मीर में, वो गलत था, उसी तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जो गवर्नमेंट बनाना चाह रही है, या गठबंधन, उनका गवर्नमेंट नहीं, जो उनका गठबंधन है, वो भी गलत है। और वो गलत इसलिए है क्योंकि ये दोनों पार्टीज जब ये आउट ऑफ पावर रहते हैं, जब ये सत्ता से बाहर रहते हैं, ये पाकिस्तान जिंदाबाद बोलते हैं, जब ये सत्ता में रहते हैं, ये भारत माता की जय बोलते हैं। ये लोग दोगले लोग हैं, इनको समझना जरूरी है कि लोग दोगले लोग हैं। और ये सब चीजें इनका, देखिए, जो कहते हैं कि हम कश्मीर की पल्स पहचानते हैं और कश्मीरी हमारे बड़े दीवाने हैं, ये लोग बोलते हैं ना। अगर ये लोग सब बोलते हैं तो मैं उमर अब्दुल्ला और मुफ्ती महबूबा मुफ्ती को ये बोलना चाहता हूं कि आप कश्मीर में जब जाते हैं, आप बिना सिक्योरिटी के जाइए ना। लोग आपके इतने दीवाने हैं, लोग आपको इतना खुदा मानते हैं, इतना बड़ा मानते हैं आपको, तो वाई डोंट यू रोम द स्ट्रीट्स ऑफ कश्मीर विदाउट सिक्योरिटी? या बिना सिक्योरिटी के जाके देखिए, इनमें हिम्मत नहीं है घर से बाहर निकलने की। महबूबा मुफ्ती में जो खून की नदियां और ये बड़े बड़े हिंदी फिल्म के डायलॉग्स मारती हैं, इनकी हिम्मत नहीं है अपने गेट के बाहर बिना सिक्योरिटी के जाने की। शी विल नॉट लीव, इनको पता है। और सबसे बड़ी बात, इनको अपनी खुद की असलियत पता है, इनकी असलियत हमें भी पता रहनी चाहिए। ये लोग मुल्क के गद्दार हैं, इनको बस मुल्क का फायदा उठाना है। ये चाहते हैं पीडीपी भी और नेशनल कॉन्फ्रेंस भी कि जब तक आम कश्मीरी का खून बहता रहे, इनकी तिजोरियां भरती रहेंगी। इनका कश्मीरियों से बस यही नाता है कि तुम अपना खून बहाते रहो, हमारी तिजोरियां भरती रहे। और बीच में ये लोग वो करते रहेंगे अपना कि हमें बस पाकिस्तान के साथ आप डायलॉग करिए, ये करिए, वो करिए, छोटी छोटी बात जो सेसेशनिस्ट बातें हैं, पाकिस्तान को खुश करने वाली बातें, वो करते रहेंगे। यही इनकी सच्चाई है। देखिए, आप ठीक कह रहे हैं कि आवाम ने कभी प्रोटेस्ट नहीं करा वैभव, लेकिन स्टोन पेल्टिंग तो होती है साइड में, वो सब ऑर्केस्ट्रेटेड है, वो डिफाइंड है। व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू स्टोन पेल्टिंग होती है, आप लोगों को इनवाइट करते हैं, वो लोग आते हैं, पत्थर वत्थर फेंकते हैं। जो आपका सवाल है कि पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस को क्यों इतनी परेशानी है, देखिए, मेरे सीईओ साहब थे, जो मेरे पहले सीईओ थे, वो एक बड़ी, मुझे बड़ी अजीब सी बात लगी उन दिनों, लेकिन बाद में मुझे लगा कि हाँ, ये ठीक कह रहे हैं। उन्होंने ये बताया कि जब पहली बार कोई चीज हो तो आप मान सकते हैं कि हादसा है, दूसरी बार हो तो आप ये मानिए कि इत्तेफाक है, लेकिन अगर तीसरी बार हो तो आप समझ लीजिए कि साजिश है। तो जो कश्मीर में चल रहा है, चाहे वो स्टोन पेल्टिंग हो, चाहे वो आतंकवाद हो, चाहे पाकिस्तान और इस्लामिक स्टेट के झंडे हों, चाहे जबरदस्ती छोटे छोटे बच्चों को मरवाया जा रहा हो शहीद बनाने के लिए, सिंपथी गेन करने के लिए, चाहे पाकिस्तान से फाइटर्स आ रहे हो, किसी ना किसी का तो फायदा हो रहा है इसमें। बिना फायदे के, वैभव, मैं आपसे ये पूछता हूं, क्या 30 साल से वहां पे टेररिज्म चल रही है, मिलिटेंसी चल रही है, बिना किसी के फायदे के हो रही है? बिना किसी के फायदे के कोई चीज इस दुनिया में नहीं होती। जहां तक पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस का सवाल है, मैं ये नहीं कहूंगा कि वो डायरेक्टली दहशतगर्दी को बढ़ावा दे रहे हैं, पर ये जरूर है और ये बात सच है कि अपने एक्शंस की वजह से वो दहशतगर्दों को शह जरूर देते हैं। क्योंकि एक माहौल आपको चाहिए ये सब पालने के लिए, आपको एक माहौल चाहिए होता है जिसमें ये सब चीजें पलती हैं, दहशतगर्दी पलती है। माहौल क्रिएट करने में इनका बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि हमारी सत्ता बनी रहेगी तब तक जब तक ये सब चलता रहेगा मामला। अगर कल कश्मीर में शांति हो गई, कल कश्मीरी खुश हो गया, फिर उनको कौन पूछेगा? इनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। और दूसरी चीज, इन लोगों ने एक चीज बड़ी कमाल की करी है। जब आप जम्मू एंड कश्मीर की बात करते हैं वैभव,
तो सबके मन में सिर्फ कश्मीर वैली आती है। डोगरा कहां गए, गुजर कहां गए, बकरवाल कहां गए, लद्दाखी कहां गए, कश्मीरी पंडित कहां गए, इन सबको इन्होंने गायब कर दिया। और जो जम्मू और कश्मीर की राजनीति है वो वही 150 किलोमीटर बटा 45 किलोमीटर की जो कश्मीर वैली है, जो कि सिर्फ 150 किलोमीटर बटा 45 किलोमीटर की, इससे बड़ी नहीं है कश्मीर वैली, उसमें महदूद होकर रह गई। उन लोगों ने करा ऐसे, डोगरों की आवाज, डोगराज वो लोग थे जिन्होंने जम्मू एंड कश्मीर के किंगडम को एक्चुअली एक सांचे में डाला। जो मॉडर्न जम्मू एंड कश्मीर स्टेट है उसमें बहुत योगदान डोगरों का है, अपने डोगरों की आवाज गायब कर दी। गुजर और बकरवाल जो कि ज्यादातर वहां पे मुस्लिम्स हैं जम्मू साइड में, ये पूरा पुंछ, रजौरी और ये मेंढर और ये पूरी जो बेल्ट है अखनूर, यहां पे जो गुजर और बकरवाल हैं उनको, वो भी मुस्लिम्स हैं, उनको इन्होंने ऐसा माहौल बना दिया पॉलिटिकल पार्टीज ने कि उनको छोटी नजरों से देखा जाता है कि हम कश्मीर वैली के हैं, हम लोग सुपीरियर लोग हैं। एक वहां पे एक ऐसा माहौल बना दिया है, ऐसा एक मौजू जो है वो शुरू कर दिया है, एक ऐसा बयान शुरू कर दिया वहां पे, एक नैरेटिव वहां पे ले आए हैं। और इसके अलावा आपने कब देखा पिछली बार कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, पीडीपी और एनसी, ले लद्दाख के बारे में कोई स्टेटमेंट दिया हो? महबूबा मुफ्ती ने पिछली बार ले या लद्दाख के बारे में पिछली बार कब स्टेटमेंट दिया था? कब इन लीडर्स ने विजिट करा था लद्दाख? बताइए, मैं फारूक अब्दुल्ला है, अपना उमर अब्दुल्ला है, या फिर महबूबा मुफ्ती हैं, इन्होंने पिछली बार कब विजिट करा था? इन्होंने कब पुंछ रजौरी पिछली बार विजिट करा? कब पिछली बार अखनूर गए? कब सुंदरबनी गए? ये लोग नहीं जाते वहां पे। जम्मू इसलिए जाते हैं क्योंकि ठीक है कैपिटल शिफ्ट होती है, वरना इनको वो जो 150 बटा 45 किलोमीटर की जो जगह है जिसको हम कश्मीर वैली बोलते हैं, इसके अलावा इन लोगों को पूरे जम्मू एंड कश्मीर में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इनकी पॉलिटिक्स सिर्फ वैली से चलती है। पंडितों को आपने निकाल दिया वहां से, एक नई जो वहां पे पीढ़ी पैदा हुई है, नई फसल पैदा हुई है कश्मीर की, उस बच्चे ने जिंदगी में कभी पंडित को देखा ही नहीं, तो उसका दिमाग कैसे चलेगा? फिर उसने कभी डाइवर्सिटी देखी नहीं। हम लोग जाते हैं, हमारे सबके दोस्त हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हमारे दोस्त हैं, एंड वी आर द बेटर ऑफ फॉर इट, वी आर बेटर पीपल बिकॉज वी लिव इन अ डाइवर्स सोसाइटी। इट हैज मेड अस बेटर ह्यूमन बींग्स, इट हैज मेड अस मोर इवॉल्व्ड ह्यूमन बींग्स। लेकिन वो कश्मीर वैली में इन लोगों ने खत्म कर दिया है, बिल्कुल खत्म कर दिया इन लोगों ने वो चीज। ये ब्लेम करते हैं टेररिस्ट, सिर्फ टेररिस्ट्स, और सिर्फ पाकिस्तान ही गिल्टी नहीं है। पाकिस्तान ने तो शुरुआत करी बेशक, लेकिन सिर्फ पाकिस्तान गिल्टी नहीं है, कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टीज गिल्टी हैं जो मोड़ पे आज कश्मीर खड़ा है आज की तारीख में। पीडीपी एंड नेशनल कॉन्फ्रेंस बोथ आर इक्वली गिल्टी ऑफ दैट।